करिए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वेलकम, मैं रविंदर शर्मा द्रास ब्रिगेड कमांडर की ओर से आप सबका कारगिल वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये वार मेमोरियल कारगिल शहीदों की याद में नवंबर 2004 में बनाया गया था। ये वार मेमोरियल यहाँ पे बनाने का मुख्य कारण ये था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग द्रास सेक्टर में लड़ा गया था। इसके अलावा जिस स्थान पर आप खड़े हैं वहाँ से कुछ एक चोटियाँ दिखाई देती हैं जिस पर पाकिस्तान आर्मी का कब्जा था। वह दिखाई देने वाली चोटियाँ इस प्रकार से हैं। आपके सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है नाम तोलोलिंग। अगर आप अपना ध्यान थोड़ा बाएं बिल्कुल स्काईलैंड के ऊपर लेके जाएं जहां पे हल्का बर्फ पड़ा हुआ है नाम तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर स्काईलाइन के ऊपर दोनों किली चोटी, दाहिने वाली चोटी नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल से बाएं की ओर बढ़ता हुआ स्पर दूसरी किली चोटी नाम राइनो हॉल। राइनो हॉल और टाइगर हिल के बीच कुछ एक छोटी छोटी पोस्टें थी जैसे कि इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, शिवलिंग पोस्ट और राकिनॉप। वापिस राइनोहार, राइनोहार से बाई की ओर बढ़ता हुआ उस पर लास्ट स्काई लाइन के ऊपर जहां पे बर्फ पड़ा हुआ है नाम पॉइंट 4875 जो के बत्रा टाप के नाम से जाना जाता है क्योंकि जहां पे कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ, इसलिए विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। घुसपैठ के कारण, घुसपैठ होने के मुख्य कारण ये थे कि शिमला समझौते के तहत विंटर के दौरान दोनों देशों की सेना एलओसी को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला जाता था क्योंकि जहां का रिकॉर्ड टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 1998 के विंटर के दौरान जब हमारी सेना एलओसी को छोड़कर कम बर्फीले इलाके में चला गया तो पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया। 1999 में समर के दौरान जब हमारी सेना एलओसी पर गया तो हमारी सेना ने देखा कि पाकिस्तान आर्मी हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा जमाए बैठी थी। ये एरिया गुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर तक था। तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर सबसे पहले 18 ग्रेनेडियर के जवानों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह पोजीशन बनाकर बैठे हुए घुसपैठियों ने अपने प्रभावित फायर से यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया। मूवमेंट केवल खराब मौसम और अंधेरी रात में ही संभव हो सका। लड़ाई के कुछ दिनों के बाद 18 ग्रेनेडियर एक फर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ। तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर कब्जा करने के लिए 2 राज राइफल की ओर से तोलोलिंग पर अलग अलग दिशाओं से हमला किया गया। इसी तरह 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इस पहाड़ी के ऊपर कब्जा किया गया, जहां पर हमारा कैजुअल्टी 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 33 जवान का हुआ था। तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर कब्जा हो जाने के बाद इंडियन आर्मी का ध्यान टाइगर हिल पर गया। टाइगर हिल से दुश्मन डायरेक्ट नेशनल हाईवे को शूट करता था जो कि सेना की कानबाई और सिविल गाड़ियों को आने में परेशानी पैदा करता था। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 86 और 18 ग्रेनेडियर को नियुक्त किया गया। टाइगर हिल पर हमारा कैजुअल्टी 1 ऑफिसर, 3 JCOs और 30 जवान का हुआ था। इसके अलावा 120 जवान घायल हुए थे। 18 ग्रेनेडियर के ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह यादव की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। 0.4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखते हुए उन्हें की पल्टन 13 जैक राइफल को नियुक्त किया गया। 0.4875 के दूसरे फीचर्स पिंपल 1, पिंपल 2 और भेल वैक पर कब्जा करने के लिए 17 जाट और ट्विन बम पर कब्जा करने के लिए 2 नागा को डिटेल किया गया। तीनों ही पल्टनों ने अच्छे सोच विचार के साथ इन सभी पोस्टों के ऊपर हमला किया। ये ऑपरेशन 3 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चला, जहां पर हमारा सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी 59 जवान का हुआ था, जहां पर ही पाकिस्तान रेंजर की गोली लगने से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर का शहादत हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र और कैप्टन अनुज नायर की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन पलटनों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जो जवान इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए उन सभी के नाम इस बार मेमोरियल में दर्ज हैं। आपके दाहिने कैप्टन मनोज पांडे गैलरी, जिसमें ऑपरेशन विजय के कुछ फोटोग्राफ्स और पाकिस्तान आर्मी के कुछ इक्विपमेंट्स रखे गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा और झुककर सलाम करें उनको जिन्हें ये मुकाम हासिल होता है। कितनी किस्मत वाले हैं वे लोग जिनका खून देश के काम आता है। धन्यवाद सर।